सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के गीता भवन चौक पर जब ई रिक्शा चालक सड़क से गुजर रहा था तो वहां चौक पर खड़े एक होमगार्ड के जवान ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वो नहीं रुका तो उसके ई रिक्शा के पीछे भागकर उसे पकड़ा और पहले तो उसने सड़क पर ही उसके साथ गाली गलौज करने के साथ मारपीट की और बाद में बताया गया कि उसे गीता भवन मंदिर के टॉयलेट में भी ले जाकर बुरी तरह से पीटा गया। सड़क पर गुजरने के दौरान होमगार्ड के जवान द्वारा ई रिक्शा चालक को पकड़ने का सीसीटीवी भी सामने आया है। पीड़ित ई रिक्शा चालक ने न्याय की मांग को लेकर पुलिस में शिकायत दी है। पीड़ित युवक ने पुलिस को दी शिकायत के बाद वरिष्ठ अधिकारी भी हरकत में आए हैं और सीसीटीवी को देखने के बाद डीएसपी सतीश ने इस मामले में कहा कि पीड़ित युवक ने उनको लिखित में शिकायत दी है। इस मामले को लेकर जांच करवाई जाएगी। अगर होमगार्ड का जवान दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ अवश्य ही कानूनी कार्रवाई नियमानुसार अमल में लाई जाएगी। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। मैं सर आ रहा था शनि मंदिर की तरफ से और रोड में इधर देखो खड़ा था और मैं सीधे निकल गया मानियानी की तरफ। मैं सीधे निकल गया उस साइड को, हलवाई की दुकान के सामने रोक दिया गाड़ी, जाके रोका नहीं वहाँ से मेरे को। जब निकल क्रॉस पूरी रोड पार करने के बाद वहाँ मुझे पकड़ लिया, फिर मेरे को चाबी पंप खींच लिया, चाबी खींचने के बाद फिर मेरा कालर पकड़ के पीछे झींक लिया तो जो पीछे बैठने वाला होता है रिक्शे का वो भी टूट गया है और प्लस मेरे को यहीं मारा दो थापड़। यहाँ से ले गया उठा के लाइटिंग घर में बंद डाल दिया, वहाँ भी कह रहा था तो ऐसा कुर्ता हो निकता देखो नीचे लटका के कह रहा था ऐसा हो कि जमीन से मार रहा था यहाँ से। शिकायत दे दी पुलिस में? हाँ कर दी सर। मेरे पास अभी इन्होंने कंप्लेंट करी है, मैं इसकी जाँच करवाऊँगा, जाँच में जो होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।